Yesterday we read some important facts about Vesuvio. Today we will read the rest part of facts about Vesuvio. The facts we read yesterday, the first one was in Vesuvio the order of term is very important. जो ऑर्डर है रेशियो का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जैसे 2:3 एंड 3:2 में बहुत डिफरेंट है, तो इनका ऑर्डर जो है होना चाहिए. दूसरा था सिंस रेशियो इज अ फ्रैक्शन, रेशियो एक फ्रैक्शन होता है, द रेशियो विल रिमेन अनचेंज्ड If each term of the ratio is multiplied or divided by the same non-zero number, and I have tried to make you understand yesterday these things with examples. And third fact was ratio exists between quantities of the same kind. एक ही तरह के चाहे रुपए पैसे का हो या सेंटीमीटर का हो मीटर का हो किलोग्राम ग्राम का हो, जो भी क्वांटिटी हो वो सेम क्वांटिटी में वो सारे टर्म्स होने चाहिए, तभी वी कैन फाइंड आउट द रेशियो. नेक्स्ट वाज टू फाइंड द रेशियो बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, क्वांटिटी शुड बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट. अब अगर एक सेंटीमीटर में दिया है एक मीटर में दिया है तो हमें दोनों को एक यूनिट में चेंज करना होगा, अदरवाइज वी कांट गेट द प्रॉपर रेशियो, प्रॉपर रेशियो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं. तो ऑलवेज वी शुड ट्राई टू चेंज द बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, हमेशा बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलने की कोशिश करते हैं. टुडे वी विल सी सिंस रेशियो इज अ नंबर इट हैज नो यूनिट. जो फिफ्थ फैक्ट है, सिंस रेशियो इज अ नंबर, रेशियो इज अ नंबर, रेशियो जो है नंबर का होता है, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट. एनी वेयर यू कैन सी, जहां भी रेशियो दिया रहता है तो वो नंबर का ही रेशियो होता है, 5:6. इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे 5 cm/6 cm, अगर ऐसे लिखते हैं तो 5 cm/6 cm, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर डिवाइड हो गया, बचा क्या 5/6 यानी 5:6. तो इन दिस वे कोई भी रेशियो जो होता है वो नंबर केवल होता है, उसमें यूनिट नहीं होता है. क्वेश्चंस में भी विथ यूनिट, क्वेश्चन यूनिट के साथ हो सकते हैं, बट आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट एवर रिजल्ट्स वी विल गेट देयर विल बी नो यूनिट. द सिक्स टू कंपेयर टू रेशियोज वी आइदर कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, टू कंपेयर टू रेशियो, टू कंपेयर टू रेशियो, टू रेशियो वी आइदर कन्वर्ट देम, वी आइदर कन्वर्ट देम, कन्वर्ट देम इंटू इक्विवेलेंट, इंटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन. व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, दोज फ्रैक्शंस हु हैव डिनोमिनेटर सेम, दोज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, 4/100, 3/100, 7/100, तो ऑल हैज 100 एज द डिनोमिनेटर, so these fractions are called like fractions.
यह फ्रैक्शन जो है लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। आए 3/5 and 2/3, 3/5 और 2/3 दिया है। बोथ है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्राई टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। इसके लिए 5 और 3 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 5 and 3 इज इक्वल टू 15। तो जब 15 हुआ तो हाउ मेनी टाइम्स वी विल मल्टीप्लाई इनटू 5 थ्री टाइम्स, देन वी विल गेट द 15। 5 3 जा 15, तो इट विल बी 3 3 जा 9 upon 5 3 जा 15। 2/3 तो 2 into upon 3 into, हियर वी विल मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 जा 10 upon 5 3 जा 15। नाउ दिस फ्रैक्शन बिकम इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में हो गए। अगर इसका रेशियो निकालना चाहते हैं तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 9/15 ratio 10/15। तो 9/15 into 15/10 कट गया। व्हाट लेफ्ट 9/10, वी कैन राइट 9 ratio 10। ठीक है। तो ये इस तरह से जब हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं दिए हुए अनलाइक फ्रैक्शन को, तो हमारे लिए इजी हो जाता है उसको रेशियो को प्राप्त करना। ठीक है। 7 उसका फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर फैक्ट नंबर 7, इफ फैक्ट नंबर 7 इफ A ratio B is equal to A upon B। कभी भी इस तरह से रेशियो में होता है तो उसको फ्रैक्शन में हम A upon B के फॉर्म में लिखते हैं। इज इन इट्स लोवेस्ट टर्म कब होगा लोवेस्ट टर्म में? इफ द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1। इफ द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1, अगर ए और बी का एचसीएफ 1 होगा यानी केवल वो 1 से डिवाइड होंगे, ऑन दैट कंडीशन द रेशियो विल बी द स्मॉलेस्ट यानी लोवेस्ट फॉर्म। रेशियो जो होगा स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म में कहा जाएगा। जैसे 2/5, 2 भी 1 से कटेगा और 5 भी 1 से कटेगा। नो अदर नॉन जीरो नंबर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड 2 and 5 एक्सेप्ट 1। सो 2/5 इज इन लोवेस्ट टर्म, इन लोवेस्ट फॉर्म या टर्म। बट इफ आई राइट 5/15, तो 5/15 इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई 5, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5। 5 क्या है? 5 इज द एचसीएफ ऑफ 5 और 15। सो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 1/3 जो है ये लोवेस्ट फॉर्म में हो गया। ठीक है। तो किसी भी रेशियो को हम उसके लोवेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। लोवेस्ट फॉर्म में जब तक नहीं होगा इट विल बी नॉट कॉल्ड प्रॉपर रेशियो। नेक्स्ट है इंक्रीज या डिक्रीज इन अ गिवन रेशियो ए रेशियो बी। इंक्रीज या डिक्रीज ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज इन अ गिवन रेशियो, इन अ गिवन रेशियो। ठीक है। सपोज दैट कोई रेशियो दिया है 5:7, ठीक है, एंड बोथ इंक्रीज
बोथ इंक्रीज बाय टू यूनिट्स, अगर दोनों को दो यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए तो ये 5/7 था, देन इट विल बी 5 + 2 / 7 + 2, दैट इज 7/9। अगर ये 7/9 न्यू रेशियो हो गया, अगर 5/7 किस कंडीशन पे है, इंक्रीज कंडीशन पे है, इंक्रीज बाय टू। अब मान लीजिए यहां कर दिया जाए डिक्रीज बाय टू, तो अगर डिक्रीज करेंगे टू से तो ये होगा 5 - 2 / 7 - 2, इन दिस वे इट विल बी 5 - 2 = 3 and 7 - 2 = 5, तो 3/5 विल बी न्यू रेशियो। अंडरस्टूड? तो फ्रॉम यस्टरडे टिल टुडे आई हैव taught the facts about the ratio. केवल मैंने रेशियो के फैक्ट्स के बारे में बताया है कल से लेकर आज तक। देर आर 8 फैक्ट्स अबाउट रेशियो एंड टुमारो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज, क्वेश्चंस विल बी सॉल्व एंड क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू आल्सो सॉल्व एंड आफ्टर दैट वी विल रीड द प्रोपोर्शन, इसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, आफ्टर दैट वी विल रीड द यूनिटरी मेथड। तो 1/1 वी विल डू द प्रोसेस।